नमस्कार। वीकेंड में हम कर चुके हैं प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नरमाया हुआ है, 15 अंकों की कमजोरी यहां दिख रही है, 2771 के पास। डाउ फ्यूचर्स है ऊपर, नैसडैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में, एक छोटे दायरे में ट्रेड करता दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो काफी समय के बाद पॉजिटिव ओपनिंग दिखी है निके में, 142 अंकों की स्ट्रेंथ है। और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और दायरे का ट्रेड है। कच्चा तेल अपनी तेजी संभाल नहीं पाया, कल हमने गिरते हुए देखा, और सोना चांदी दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन महत्वपूर्ण संकेतों पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग, क्या हो रहा है? मार्केट्स मेंटेन नहीं कर पा रहे स्ट्रेंथ को, अभी भी असमंजस बना हुआ है, कोई चिंता की बात? चिंता की बात कुछ ज्यादा नहीं है, बट वही बात है जो हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। बाजार जानता है इस साल रेट कट आएंगे, बट बाजार की उम्मीद कुछ ज्यादा हो गई है। जो डेटा और कमेंट्री अभी आ रहा है वो उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है बाजार में। बाजार ने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रही है, और वही एक एक्शन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ी नरमी छाई हुई है। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में रिलेटिवली स्टेबल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यूएस में आपने देखा एक बार फिर से नरमी रही, इस साल के सारी ट्रेडिंग सेशन नरम रहे यूएस के लिए, मिला जुला कारोबार था। डाओ आपके लिए हल्की बढ़त, मात्र 10 पॉइंट ऊपर ही आपको बंद होते हुए दिखा। उसके सामने नैसडैक और S&P 500 पर एक बार फिर से आपने गिरावट देखी। इनफैक्ट डाओ की अगर आप बात करें, करीब 300 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखा, ओपनिंग पर ही डेज लो लग गया, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई और रिकवरी के बाद सारी गेन्स गिव अप करके एकदम फ्लैट बंद हुआ है डाओ आपके लिए। तो दिन की ऊंचाई से आप कह सकते हैं 275 अंक फिसला है डाओ। नैसडैक और S&P यहां पर आप देख रहे हैं इस साल के तीनों ट्रेडिंग सेशंस वीकनेस देखिए। इनफैक्ट 5 दिन से लगातार नैसडैक पर बिकवाली चल रही है, 4 दिन से लगातार S&P 500 पर बिकवाली चल रही है, तो वहां पर परेशानी बनी है। रसल 2000 अच्छी बात है कल फ्लैट था, क्योंकि इससे पहले वाले दिन की बिकवाली में रसल 2000 आपके लिए करीब 2.5% फिसला था। विक्स में भी कल ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, तो बाकी दिनों के मुकाबले कल रिलेटिवली स्टेबल सेशन था, बट फिर भी वीकनेस तो आपको दिखी है स्पेशली नैसडैक और S&P 500 में। दिग्गज आईटी में आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे थे, ज्यादातर अन्य सेक्टर्स में बिकवाली थी। बैंक्स ने कल होल्ड आउट किया, इनफैक्ट बैंक शेयर्स में कल खरीदारी आई है। अगले हफ्ते से नतीजों का सीजन शुरू होगा, बैंक के नतीजे यूएस में सबसे पहले आते हैं। बैंक शेयर्स रिलेटिवली स्टेबल थे, इसकी वजह से डाउ भी आपको ऊपर दिखा और बाजार में और ज्यादा गिरावट नहीं आती हुई दिखी, बट ज्यादातर अन्य सेक्टर्स में आपने बिकवाली जरूर आते हुए देखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार तीसरे दिन इसने 4% का स्तर इंट्राडे छुआ। इससे पहले दो दिन 4% छू के काफी तेज रिट्रीट होती थी बॉन्ड यील्ड, बट कल 4% छूने के बाद उसी के इर्द गिर्द बॉन्ड यील्ड आपको दिख रही है। तो 4% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखेगी, थोड़ा एलिवेटेड लेवल है, और इसके पीछे की वजह है कुछ और डेटा जो कल शाम को आया है। प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपको आते हुए दिखा है और ये अनुमान से बेहतर रहा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने अनुमान से ज्यादा जॉब्स जोड़ी हैं। 1,30,000 जॉब्स जोड़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले 1,60,000 प्राइवेट सेक्टर ने जॉब्स जोड़ी हैं। तो वहां से भी हमने देखा कि जो बाजार सुस्ती चाहता है इकोनॉमिक आंकड़ों में ताकि आगे रेट कट हो, वैसा डेटा आया नहीं है। और कल प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा तो इंपॉर्टेंट था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज है जो दिसंबर महीने का ओवरऑल जॉब्स डेटा आने वाला है यूएस में। यहां पर अगेन अनुमान लगाया जा रहा है 1.6-1.7 लाख नई जॉब्स जोड़ी जानी चाहिए, 3.8% पर बेरोजगारी रहनी चाहिए। अब देखते हैं कैसा आंकड़ा आता है, अगर इससे बेहतर आंकड़ा आया तो बाजार इससे डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि बाजार चाह रहा है कि मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाए। तो देखते हैं किस तरह का आंकड़ा आएगा, बट डेफिनेटली ये एक चीज है जिस पर बॉन्ड मार्केट एंड ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो कल अच्छा एक्शन था, 0.5% ऊपर आपके लिए यूरोप बंद होते हुए दिखाए। कमोडिटी बाजार में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, कच्चे तेल में हमने जरूर गिरावट देखी है। 2-3 फैक्टर्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर। अमेरिका में गैसोलीन की मांग तेज गिरावट आती हुई दिख रही है यहां पर, इनफैक्ट साप्ताहिक गैसोलीन भंडार 30 साल में सबसे बड़ी वीकली बढ़त आपको दिखाते हुए दिखे हैं। तो थोड़ी कमजोर मांग अमेरिका में भी है, यूरोप में भी कमजोर मांग की बात चल रही है। उसके सामने रेड सी का तनाव अभी भी जारी है, कुछ रिफाइनर्स ने अपने शिपिंग रूट्स फिर से बदल दिए हैं क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। ईरान की मिलिट्री नेवी भी वहां पर इंटरफेयर कर सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो एक्शन बना हुआ है, बट कच्चे तेल के दाम और ऊपर नहीं गए, कल तो इनके इनफैक्ट हल्के गिरे ही हैं। सोना चांदी आपको रेंज में दिखे हैं,
हैं, डॉलर भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा है, बेस मेटल्स पर पिछले कुछ दिनों से प्रेशर है, कल भी प्रेशर बनते हुए दिखा है, कॉपर आपका 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिंक और एल्यूमिनियम भी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो ओवरऑल रिलेटिवली स्टेबल संकेत है। डेटा जो अब तक आ रहा है वो ये कॉन्फिडेंस नहीं जता रहा है कि शायद मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाए, बट उसके लिए आज एक बड़ा डेटा आने वाला है, जॉब्स डेटा यूएस का, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चलिए धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत है उन्हें कैसे समझे, इंटरप्रेट करें और क्या रणनीति अपनाए हमारे मार्केट में, यहां आपकी मदद करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, ग्लोबल क्यूज को कैसे देखें सर, और निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत मिले जुले हैं अमेरिकी बाजारों से, अच्छी मजबूती हो सकती थी लेकिन आखिरी मिनटों में अमेरिकी बाजारों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फ्लैट बंद होते दिखे। डाउ पर हम नैस्डिक लगातार 5वें दिन कमजोर रहा है, तो कोई बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है ग्लोबल मार्केट से, लेकिन हमारे अपने संकेत ठीक है। कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी जो हुई वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो रेंज बाउंड मार्केट है, नीचे में 21,500 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, ऊपर में 21,800 के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। तो सुस्त शुरुआत होने के बाद आप बाजार को एक तरफ रेंज की तरफ जाने दीजिए, अगर कमजोर होकर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो 21,500-21,565 ये है वो रेंज जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर नीचे आते हैं बाजार तो। और अगर सुस्त शुरुआत होने के बाद कल की तेजी को आगे बढ़ाने का काम बाजार करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो 21,725-21,875-800 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इंतजार करना चाहिए नीचे का। नीचे में 21,450 के नीचे फ्रेश कमजोरी होगी और ऊपर में 21,850 के ऊपर फ्रेश मजबूती आपको बाजार में बनती हुई दिखेगी, तब तक शायद बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड करने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी ने कल फिर से 48,000 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिला तो लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से बढ़ने को तैयार हो सकता है। जो आज के लिए सपोर्ट का काम माफ कीजिएगा आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 47,850 से लेकर 48,000 की रेंज, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 48,350 से 48,500 की रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बाकी रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, चुस्त दुरुस्त है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपको इंडेक्स में क्लैरिटी ना मिले तो बिल्कुल आप कैश मार्केट के स्टॉक्स में बने रहिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी भरपूर तेजी होने के आसार है और वहां पर खरीदारी होगी। कल आपने देखा ही 750 पॉइंट से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स में अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी, तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट बढ़िया रहेंगे और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी आपको अच्छा ही बनता हुआ नजर आएगा। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को आज दिशा देने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा एंड ऑफ कोर्स कंपनियों के Q3 बिजनेस अपडेट्स आए हैं उन पर भी फोकस करेंगे। अरमान के पास सीधे चलते हैं। अरमान मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन है? जी गुड मॉर्निंग, ट्रिगर्स के हिसाब से सबसे पहले कावेरी सीड्स, यहां पर बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। श्याम मेटालिक्स, यहां पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। एग्जिट है नेस्ले इंडिया में जहां पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹1 का और कैबिनेट की 10:30 पर मीटिंग भी है। खबरों के हिसाब से ग्रासिम, यहां पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के टर्म्स को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 2.2 करोड़ राइट शेयर इशू किए जाएंगे जो कि अगर प्राइस देखे 1812 का है जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 12.4% डिस्काउंट पर है और इशू 17 से 23 जनवरी तक खुला रहेगा। BCL इंडस्ट्रीज, गुशन पॉली, इंडियन ग्लाइकोज और ऐसी शुगर स्टॉक्स यहां पर आदि आपको ध्यान रखना है क्योंकि OMCs ने मक्के से बने इथेनॉल के लिए इंसेंटिव बढ़ाया है। इंसेंटिव में 5.8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बजाज ऑटो की बात करें तो वहां पर 2024 चेतक ईवी वो लॉन्च की है और 2-व्हीलर EV2 वेरियंट्स उसके साथ जो है ये मिलेगी। फंड एक्शन की बात करें तो सनटेक रियलिटी, यहां पर पब्लिक शेयर होल्डर में म्यूचुअल फंड ने लगभग अब देखें 2% के आसपास हिस्सेदारी यहां पर बेची है अंत में और ये ओपन मार्केट के जरिए 2 जनवरी को घटाई है हिस्सेदारी। ऑलराइट, साथ ही अरमान ये भी बता दीजिए कि Q3 अपडेट्स कैसे आए हैं कंपनियों के और कैसे कैसे रहे हैं, डिटेल बता दीजिए। बिल्कुल, बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले डाबर, यहां पर Q3 के अपडेट की बात करें तो आय मिड टू हाई सिंगल डिजिट से बढ़ेगी। वहीं आप HPC में रिकॉर्ड मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान भी यहां पर है और उसी के साथ साथ ग्रामीण मांग में ग्रोथ अभी भी अर्बन मांग से कम है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहां पर अगर आप रिटेलाइजेशन बात करें तो वहां पर 91% आता हुआ दिखा है जो कि 64% था रियलाइजेशन और रिटेल डिसबर्समेंट की बात करें तो वहां पर 25% की बढ़ोतरी है। RBL बैंक डिपॉजिट्स यहां पर 13% बढ़कर आए हैं, एडवांसेज में 20% की बढ़ोतरी है।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहां पर बिजनेस में लगभग 12% के आसपास की बढ़ोतरी है, डिपॉजिट्स 9% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और अंत में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वहां पर 31% की बढ़ोतरी है और कासा रेशियो 19.9% से थोड़ा सा बढ़कर 20% पर आता हुआ दिखा। चलिए तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इन चुनिंदा स्टॉक्स में खबरों के दम पर जबरदस्त एक्शन आज दिखेगा। धन्यवाद अरमान। इस कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं, उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। हमने कच्चे तेल को कल $78 के नीचे बंद होते हुए देखा है और सोना चांदी वो दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। आज क्या करना है जान लेते हैं। कुंवर जी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी मॉर्निंग, कच्चे तेल में आज क्या रणनीति अपनाएं? 6000 के ऊपर कल क्लोजिंग हुई है, आज क्या करें? थोड़ा वोलेटाइल है कमोडिटी, एंड पर्टिकुलर अगर शॉर्ट टर्म में देखे तो न्यूज एंड इवेंट की वजह से काफी कमोडिटीज में हलन चलन है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बाय एंड डिप का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। पर्टिकुलर अगर ये 6000 के करीब मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 5930 का और अपर साइड एक्सपेक्टेशन से 6100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, दोनों साइड के फैक्टर है, सप्लाई ज्यादा है उसके सामने, डिमांड में भी अभी थोड़ा मार्केट असमंजस में है, बट यस मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब है तो बाय करना चाहिए। प्रेशियस मेटल्स में क्या प्रेफरेबल है, सोना या चांदी? कल गिरावट चांदी में ज्यादा थी और आज शॉर्ट कवरिंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, मुझे लग रहा है कि चांदी में बाय करें। करंट मार्केट प्राइस 70,300 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 70,000 का, 73,000 तक के लेवल की उम्मीद इंट्राडे में करनी चाहिए। ओके, गोल्ड में कोई रणनीति? गोल्ड में भी 60,500 का अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट को कल भी डेटा पॉजिटिव आने के बावजूद भी रिस्पेक्ट किया था। मुझे लग रहा है कि एक 60,500 के करीब गोल्ड में बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 60,280 का और अपर साइड 63,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी बाजार में कहां कहां है कमाई के मौके। बढ़ते आगे FIR यानी FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। आइए जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स, अरमान बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले UBS की आप देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, इनिशिएट कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 3600 का, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें 2900 का है तो काफी बड़ा टारगेट दे रहे हैं। UBS की ही CG पावर पर भी रिपोर्ट है, यहां पर भी इनिशिएट कर रहे हैं वो बाय को, टारगेट रख रहे हैं 580 का, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 464 का है। और अंत में अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें, ONGC पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 216 से बढ़ाकर 254 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 215 के आसपास का है। ओके, थैंक यू अरमान पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम शो रैप अप करें, आपको याद दिला दें नए साल में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छे खासे रिटर्न की रफ्तार प्रदान कर सकते हैं। अनिल सिंघवी के साथ आज हम जानेंगे उनके फेवरेट फंड्स, मिस मत करिएगा आज का स्पेशल शो नए साल के नए फंड आज सुबह 11 बजे। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।